नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलेरी और ट्रंप के बीच तीसरी और आखिरी बहस हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए गुरुवार को शुरू हुई तीसरी एवं अंतिम बहस में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार देने वाले द्वितीय संशोधन को बरकरार रखने के पक्ष में तर्क दिया, जबकि उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन ने हथियार रखने वालों के हाथों होने वाली हत्याओं को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की। हिलेरी ने कहा कि वह द्वितीय संशोधन का समर्थन करती हैं, लेकिन लोगों की जान लेने के लिए हथियार रखने वाले गैर कानूनी तत्वों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में गोलीबारी के कारण प्रतिवर्ष करीब 33,000 लोग मारे जाते हैं। ट्रंप द्वितीय संशोधन के तहत लोगों को दी जाने वाली स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ हैं। हिलेरी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मेरा मानना है कि इस समय हमारे देश के इतिहास में यह महत्वपूर्ण है कि हम विवाह की समानता को रद्द नहीं करें, हम कार्यस्थल में लोगों के अधिकारों के लिए खड़े हों। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को शक्तिशाली संघों एवं धनी लोगों के पक्ष में नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के पक्ष में खड़े होना चाहिए। ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी के साथ असहमति जताते हुए कहा कि मेरे विचार से हमें ऐसे सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता है जो द्वितीय संशोधन को बरकरार रखे। ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिका में ऐसे जजों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जो पहले से ही यह निर्णय ले लेते हैं कि वे क्या सुनना चाहते हैं। दूसरी ओर हिलेरी ने अपने प्रतिद्वंदी ट्रंप पर आरोप लगाया कि मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो के साथ मुलाकात के दौरान उनकी उस वक्त बोलती बंद हो गई थी जब वह अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने के अपने वादे के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। निर्णायक डिबेट में 68 वर्षीय हिलेरी ने कहा कि बात जब दीवार बनाने की आई तो ट्रंप मैक्सिको गए और वहां उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, लेकिन वह तो उनके सामने मामला ही नहीं उठा पाए, उनकी घिग्गी बंद गई, जिसके बाद उनका ट्विटर युद्ध छिड़ गया। अलबत्ता मैक्सिको के राष्ट्रपति ने यह कह दिया कि हम लोग दीवार बनाने के लिए रकम अदा नहीं करने जा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। कांग्रेस को चुनाव से पहले झटका, यूपी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी भाजपा में शामिल। सीरिया में तुर्की के हवाई हमले में मारे गए 160 से 200 चरमपंथी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकवादी मार गिराया गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पूरी तरह से ठीक, जल्द लौटेंगी घर। डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक बोर्ड मेंबर पीटर थीर ने दिया चंदा, मार्क जुकरबर्ग ने किया समर्थन। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।